वही जैसलमेर से 30 किलोमीटर दूर भारतीय वायुसेना का एक टोही विमान क्रैश हो गया है। हादसा सुबह 10 बजे के करीब पिथला जाजिया गांव के पास रोजड़ियों की ढाई के पास हुआ। हालांकि हादसे में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के साथ वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। वही वायुसेना के अधिकारी क्रैश के कारणों की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक यह यूएवी एयरक्राफ्ट है जो मानव रहित होता है और बॉर्डर एरिया पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखने का काम आता है। यह बॉर्डर एरिया में लगातार घूमता है और निगरानी करता है। इससे पहले भी ये क्राफ्ट तकनीकी खामी के चलते क्रैश हो चुका है।